बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन स्टूडेंट्स। आज हमारा चैप्टर नंबर 1 मैथ क्लास 10th चैप्टर नंबर 1 का आखिरी लेक्चर है। मिसकेलेनियस एक्सरसाइज आज हम करेंगे और पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ये बात गौर से सुन लें, मिसकेलेनियस एक्सरसाइज 5 मार्क्स देती है और मोस्टली होता भी ऐसे है कि MCQ एक्सरसाइज से ही आ जाता है 10th क्लास में, और जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो भी 10th क्लास में 70% चांस होता है मिसकेलेनियस से ही आए। तो मिसकेलेनियस एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट होती है और ख़ास कर जिन बच्चों का मैथ वीक होता है वो अगर मिसकेलेनियस एक्सरसाइज अच्छी तरह तैयार कर लें पूरी बुक की तो वो आराम से पास हो जाएंगे, कोई मसला नहीं होगा उन्हें। तो हम मिसकेलेनियस एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1। तो फर्स्ट क्वेश्चन है जी MCQs, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, 4 ऑप्शंस गिवन है, 1 इज करेक्ट, तो उसको हमने आइडेंटिफाई करना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक क्वेश्चन इज, पहले लेक्चर में स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक क्वेश्चन लिखी थी, तो ये तो वैसे x की पावर 1 है, लीनियर इक्वेशन है। ये देखें ax² + bx + c 3 टर्में हैं, स्क्वेयर भी है, एक्स भी है, तो यही स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक क्वेश्चन, पहले का आंसर बी। ये क्योंकि क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, 3 टर्में नहीं है, ये भी नहीं है। सेकेंड जी, नंबर ऑफ टर्म्स इन अ स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक क्वेश्चन, टर्म्स की तादाद बतानी है। देखें फर्स्ट 1 टर्म, 2 टर्म, 3, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, 3 टर्म्स होती हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में। कितनी टर्म्स होती हैं? 3, इन्हें टर्म्स बोलते हैं। ax² एक टर्म है, bx एक टर्म है, c एक टर्म है, देयर आर 3 टर्म्स इन द स्टैंडर्ड फॉर्म, द आंसर इज सी। थर्ड जी, द नंबर ऑफ मेथड टू सॉल्व अ क्वाड्रेटिक क्वेश्चन, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन को सॉल्व करने के मेथड हमने 3 पढ़े हैं, एक फैक्टराइजेशन, एक फार्मूला और एक कंप्लीटिंग स्क्वायर। तो 3 तरीके थे क्वाड्रेटिक क्वेश्चन को सॉल्व करने के, इसका आंसर भी 3 है। फोर्थ वन जी, द क्वाड्रेटिक फार्मूला इज, भाई हमने पूरी एक्सरसाइज की थी 4.1.2 इससे, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला कौन सा है इसमें? तो फर्स्ट वन ही देख ले, -b प्लस -b स्क्वायर -4ac ओवर 2a, ये क्वाड्रेटिक फार्मूले की, ये क्वाड्रेटिक फार्मूला ए ऑप्शन में है। यहाँ पे प्लस बी है जो गलत हो गया, यहाँ बीच में प्लस है गलत हो गया, यहाँ प्लस है, तो पहला जो है ये क्वाड्रेटिक फार्मूला है, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला आपको याद होगा। अब फिफ्थ वन में जी, 2 लीनियर फैक्टर्स, इसके फैक्टर्स आपने बनाने हैं, 56 आए और -15 आए, सेम साइन रूल, तो फैक्टर जो इसके बनेंगे x² -15x + 56, मल्टीप्लाई करें 56 आए, ऐड करें -15 आए, तो फैक्टर्स बनेंगे 8x और 7x, 7 और 8 15 हो जाएंगे। तो इसको सॉल्व कर लें, x कॉमन ले लें, x -8, 7 कॉमन ले लें, साइन चेंज हो जाएगा, x -8, द आंसर इज x -8 और x -7, तो दोनों नेगेटिव में आएंगे, x -8 और x -7 इसका आंसर है, x -7 और x -8, फैक्टराइजेशन करेंगे और ये लीनियर फैक्टर्स हमने फाइंड कर लिए। 60, एन इक्वेशन विच रिमेन्स अनचेंज, ऐसी इक्वेशन जो चेंज ही ना हो, व्हेन x इज रिप्लेस्ड बाय 1 ओवर x, x को 1 ओवर x से रिप्लेस कर दें, इक्वेशन डज नॉट चेंज, तो ये हमने डेफिनेशन पढ़ी हुई है, इसे बोलते हैं रेसिप्रोकल इक्वेशन, इसे क्या बोलते हैं? रेसिप्रोकल इक्वेशन। एन इक्वेशन ऑफ द टाइप, यहां देखें वेरिएबल पावर में आ गया, वेरिएबल एक्सपोनेंट में आ गया, x वेरिएबल है एक्सपोनेंट के अंदर आ गया, तो जब वेरिएबल एक्सपोनेंट के अंदर हो तो उसे बोलते हैं एक्सपोनेंशियल इक्वेशन, उसे क्या बोलेंगे? एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस। फिर सॉल्यूशन सेट ऑफ दिस, इसको सॉल्व कर लें, 4x² -16 इक्वल टू 0, 4x² इज इक्वल टू 16, इसे डिवाइड कर दें, 16 ओवर 4 4 आ जाएगा, फिर टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो 4 की स्क्वायर रूट क्या आएगी? +-2, द आंसर इज +-2। सॉल्यूशन सेट में लिखना है तो सेट की ब्रैकेट का होना भी जरूरी है, ये नहीं करना, ये गलत हो जाएगा, सॉल्यूशन सेट की बात हो रही है तो सेट की ब्रैकेट भी मस्ट है, तो +-2, द आंसर इज +-2।
और आखिरी एमसीक्यूज है एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म। अच्छा, ये भी रेसिप्रोकल इक्वेशन है और मैंने इसकी पहचान बताई थी। पहले पावर्स चेक करें, 4, 3, 2, 1, 0, ठीक है। पहला कॉफिशेंट और आखिरी कांस्टेंट सेम, फर्स्ट और लास्ट सेम, सेकंड और सेकंड लास्ट सेम, थर्ड में जो मर्जी हो। तो ये रेसिप्रोकल इक्वेशन की जो निशानियां पूरी हो रही हैं, तो ये भी रेसिप्रोकल इक्वेशन है। इसकी दो फॉर्म्स हमने पढ़ी थी, तो इसे भी हम रेसिप्रोकल इक्वेशन कहेंगे। तो इसका आंसर ए। तो स्टूडेंट, ये एमसीक्यूज खत्म हो गए। इसी तरह फिल इन दी ब्लैंक्स मिलती जुलती हैं इससे, वो क्वेश्चन नंबर 3 है, तो वो आप लोग खुद कर लेंगे फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है। अब मैं क्वेश्चन 2 करवाऊँ। तो अब क्वेश्चन नंबर 2, तो डियर स्टूडेंट्स, में क्वेश्चन नंबर 2 में शॉर्ट क्वेश्चंस हैं और इसमें 10 हैं टोटल। 4 तो डेफिनेशंस हैं, ऑलरेडी बुक पे निशान लगे हुए हैं आपकी। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन करें, यहीं से ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन। तो हम बारी बारी करते हैं। पहले क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट, इसे सॉल्व करना है। तो देखें, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है, 3 मेथड हैं सॉल्व करने के। तो यहाँ पे फैक्टर तो बनेंगे नहीं, कि मल्टीप्लाई करें -2 लाना है, प्लस करें तो +2 लाना है, फैक्टर यहाँ पे नहीं बन सकेंगे। तो अगर फैक्टर ना बनते हो तो फिर फार्मूला अप्लाई करते हैं। तो इसको फार्मूले से सॉल्व करेंगे, a1b2c-2। फार्मूला याद होगा आपको, -b + -b² - 4ac/2a। तो वैल्यूज पुट करें, b की वैल्यू 2, फिर 2 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू -2 ओवर a की वैल्यू 1। क्वाड्रेटिक फार्मूला लिख के वैल्यूज पुट कर दें, 2 का स्क्वायर 4 -+4, 2 = 8। +4, 12। तो इसमें फिर ये देखें, ये जो 12 की स्क्वायर रूट है, इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम। तो 12 की स्क्वायर रूट को हम ऐसे लिख लेते हैं, ये 4 पे डिवाइड होता है 12, 4 3 = 12, 4 3 = 12। 4 की स्क्वायर रूट 2 होती है, 4 बाहर आके 2 हो जाएगा। अच्छा, फिर यहाँ नहीं कटिंग कर देनी, ऐसे कटिंग गलत हो जाएगी। पहले 2 कॉमन लेंगे, ऊपर से 2 ले लें कॉमन, ये दो टर्म में है ना, यहाँ से कॉमन लें तो ये 2 कॉमन ले लें, यहाँ 1 आएगा, 2 बाहर चला गया कॉमन। अब 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल। तो फर्स्ट का जो आंसर है, सॉल्यूशन सेट -1 + -3√। तो ये जी फर्स्ट पार्ट हमने सॉल्व किया फार्मूले की मदद से। तो यही इसमें असल, यहाँ पे बाद बच्चे छोड़ देते हैं सवाल। तो भाई, अगर यहाँ 11 होता आप छोड़ सकते थे, 10 होता आप छोड़ सकते थे, क्योंकि यहाँ पे 12 आ गया, 12 4 3 = 12 है, 8 होता 4 2 = 8 लिख लेते, तो ये सिंप्लीफाई हो सकता है। तो इसे 4 3 = 12 लिख के 4 बाहर ले गए, 2 हो गया, स्केयर रूट 4 की 2 होती है, फिर 2 कॉमन निकालेंगे, उसके बाद कटिंग करेंगे। अब इस तरह देखें क्वेश्चन सेकंड पार्ट, इसको इधर शिफ्ट करें, 5x², इसको इधर ले जाए -15x। अब यहां से कॉमन निकालें, 5 5 3 = 15, xx 5x कॉमन ले लें, x 5 3 = 15, अलग-अलग कर दें, 5x = 0, x - 3 = 0। यहां से सॉल्व करेंगे 0, इधर 5 से डिवाइड कर दें तो यहां से वैल्यू आ गई 0। अब यहां से -3 उधर ले जाएं तो ये क्या हो जाएगा, +3। तो इसका आंसर आ गया, सॉल्यूशन सेट 0 3। अब इसका थर्ड पार्ट, ये मैं सारे ही करवा रहा हूं ताकि आप अच्छी तरह से कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है ये। थर्ड पार्ट में देखें, इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके जाना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में ले जाने के लिए
LCM से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे डिनोमिनेटर्स चेक कर लें, एक एक्स प्लस फोर है, एक्स प्लस फोर और एक्स माइनस फोर, इनको मल्टीप्लाई करें प्रोडक्ट फॉर्म में, ये बन गया LCM। तो होल ऑफ द इक्वेशन को LCM से मल्टीप्लाई करें, तो फर्स्ट को करें एक्स प्लस फोर एक्स माइनस फोर, सेकेंड वन को करें एक्स प्लस फोर एक्स माइनस फोर, इधर करें एक्स प्लस फोर एक्स माइनस फोर। अब कटिंग करें जी, यहाँ से एक्स प्लस फोर कैंसिल होगा, यहाँ से एक्स माइनस फोर कैंसिल होगा, यहाँ एक्सप्रेशन बच गया एक्स माइनस फोर, यहाँ बच गया एक्स प्लस फोर। यहाँ पे फार्मूला अप्लाई कर लें, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, टर्में सेम है, साइन अपोजिट है, फार्मूला लगाया ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। तो यहाँ भी देख कुछ कैंसिल हो रहा है, माइनस फोर प्लस फोर कैंसिल हो गया, एक्स और एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस टू एक्स, यहाँ फार्मूला एक्स स्क्वेयर माइनस सिक्सटीन, मल्टीप्लाई कर दें थ्री एक्स स्क्वेयर माइनस फोर्टी एट, सूदर टर्म्स शिफ्ट कर दें सारी, माइनस थ्री एक्स स्क्वेयर प्लस टू एक्स प्लस फोर्टी एट, ये प्लस थ्री एक्स स्क्वेयर उधर जाके माइनस हो गया, ये माइनस का 48 इक्वल के उधर शिफ्ट किया प्लस हो गया, ये ऑलरेडी प्लस था। अब पहला साइन नेगेटिव हो ना, पहला साइन नेगेटिव हो तो होल ऑफ द इक्वेशन के साइन चेंज कर दें, माइनस वन से मल्टीप्लाई करें, पूरी इक्वेशन के साइन चेंज कर दें, थ्री एक्स स्क्वेयर माइनस टू एक्स माइनस 48 इक्वल टू जीरो। अब ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई, इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके जाना था, तो विच इज़ द स्टैंडर्ड फॉर्म, अब क्वेश्चन नंबर टू का फोर्थ पार्ट, फोर्थ पार्ट में है जी राइट द नेम्स ऑफ द मेथड फॉर सॉल्विंग अ क्वाड्रेटिक क्वेश्चन, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन को सॉल्व करने के जो मेथड्स हैं उनके नेम बताने, तो ये हमने पहले भी क्वेश्चंस किया हुआ है, तो देयर आर थ्री मेथड्स, टू सॉल्व अ क्वाड्रेटिक क्वेश्चन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के थ्री मेथड्स हैं और वो तीनों हमने एक्सरसाइज 1.1 और 2 में पढ़े हुए हैं। नंबर वन फैक्टराइजेशन, फैक्टर बना के सॉल्व करना। नंबर टू कंप्लीटिंग स्क्वायर, नंबर थ्री क्वाड्रेटिक फार्मूला। स्टूडेंट्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना हो तो हमारे पास तीन तरीके हैं, पहला फैक्टराइजेशन मेथड है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड है, तीसरा क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के तीन मेथड हैं और ये हमने ऑलरेडी सारे पढ़े हुए हैं। अब फिफ्थ पार्ट जी, ये हम तरतीब से सारे करते आ रहे हैं, वन टू थ्री फोर और फिफ्थ पे आ गए, तो इसमें सॉल्व करना है, एक्स की वैल्यूज फाइंड करनी है, ठीक है, तो इसमें स्क्वेयर खत्म करना है, तो टेकिंग स्क्वेयर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वेयर रूट ऑन बोथ साइड प्लस माइनस, स्क्वेयर स्क्वेयर रूट कैंसल, नाइन की स्क्वेयर रूट थ्री, फोर की स्क्वेयर रूट टू। अब माइनस वन बाई टू लें प्लस वन बाई टू, अब इसके दो केसेस बना लें, प्लस माइनस है, एक दफ़ा प्लस थ्री बाई टू यूज़ करें और एक दफ़ा माइनस थ्री बाई टू यूज़ करें। अब एलसीएम लें, एलसीएम दोनों सेम है, दोनों डिनोमिनेटर सेम है, टू एलसीएम होगा, तो ऊपर भी एज इट इज़ कटिंग कर लें, टू टू ज़ा फोर, डिवाइड कर लें, टू को टू से डिवाइड किया वन, द आंसर इज वन।
अब इधर देखें, वही एलसीएम लेके सॉल्व करें, टू एलसीएम है, दोनों सेम है तो ऊपर भी वही आ जाएगा, तो माइनस थ्री प्लस वन माइनस, कटिंग कर लें, टू को टू से कट गया, वन माइनस वन आया यहाँ। अब इधर डिवाइड कर दें, मल्टीप्लाई इधर डिवाइड करेंगे तो भाई इसका जो सॉल्यूशन सेट है उसमें एक आंसर आ गया वन और एक आंसर आ गया माइनस वन बाई टू। अब इसमें सिक्स्थ पार्ट देखें, तो सिक्स्थ पार्ट में स्केयर रूट है, ये आखिरी हमारा क्वेश्चन है, तो इसमें स्केयर रूट है, स्केयर रूट खत्म करना है तो क्या करेंगे, टेकिंग स्केयर, टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड्स। स्केयर से स्केयर रूट कैंसिल, एक्स को इधर शिफ्ट करें, पहला साइन नेगेटिव आ जाए तो होल ऑफ द इक्वेशन के साइन चेंज कर दें, मल्टीप्लाइंग बाय माइनस वन, इधर क्योंकि जीरो है तो पूरी इक्वेशन के साइन चेंज। अब बनाएं यहां पे फैक्टर, 18 आए और 3 आए क्योंकि यहां तो 1 है, 1 18 18, माइनस 18 लाना है और 3 लाना है, फैक्टर बनाएंगे, वेरी सिंपल फैक्टर, 6 3 18 6 3 18, 6 में से प्लस 3 निकालेंगे तो माइनस ही बन जाएगा, 6 3 18 हो जाएगा, तो फैक्टर बन गया 6 3। एक्स कॉमन लें, 3 कॉमन लें, एक्स माइनस 6, एक्स प्लस 3, एक्स माइनस 6 कॉमन एक दफा लिखें, एक्स प्लस 3 अलग-अलग कर लें, दोनों को अलग-अलग कर लें, यहां से वैल्यू आ जाएगी प्लस 6 और यहां से वैल्यू आ जाएगी माइनस 3। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये एक्चुअली रेडिकल इक्वेशन थी, तो रेडिकल इक्वेशन में चेकिंग कर लें तो ज़्यादा बेहतर है, तो हम इसकी चेकिंग कर लेते हैं, इस तरफ ले आते हैं चेक, इसको नंबर दे देते हैं 1, चेक करें बारी बारी, पुट एक्स इज इक्वल टू 6 इन 1, 1 में पुट करें, एक्स की जगह 6 पुट करें, सिक्स थ्री द 18 प्लस 18 18 प्लस 18 36, स्केयर रूट 6, दोनों साइड इक्वल आ गई, ट्रू। 6 को पुट किया तो इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई, इक्वेशन को 6 ने सेटिस्फाई किया। अब माइनस 3 को चेक करते हैं, अब माइनस 3 पुट करें उसी इक्वेशन में, इक्वेशन 1 में माइनस 3 पुट करें, 3 3 9 प्लस 18 18 प्लस के माइनस के 9, आंसर इज प्लस 9 की स्केयर रूट प्लस 3, ये दोनों इक्वल नहीं आए, फॉल्स। तो स्टूडेंट्स, ये एक्स की वैल्यू जो माइनस 3 थी, इसने इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं किया, ये एक्सट्रीनियस रूट हो गया, 6 ने किया सेटिस्फाई, तो हम इसमें लिख सकते हैं फिर सॉल्यूशन सेट में हमने सिर्फ क्या लिखना है, 6। तो जो दूसरा रूट था उसे हम कह देंगे माइनस 3, जो एक्सट्रीनियस रूट, माइनस 3 इज एन एक्सट्रीनियस रूट्स, तो ये एक्सट्रीनियस रूट आ गया माइनस 6 एक्सट्रीन, ये माइनस 3 एक्सट्रीनियस रूट हुआ और प्लस 6 इसका एक्चुअल रूट हुआ, तो इसका आंसर आ गया प्लस 6। तो स्टूडेंट्स, बाकी 7 8 9 10, ये चारों डेफिनेशंस हैं जो ऑलरेडी आपको पढ़ाई जा चुकी हैं, निशान बुक में लगे हुए होंगे, बाकी फिल इन दी ब्लैंक्स वो एमसीक्यूज से मिलते जुलते हैं, जैसे एमसीक्यूज थे वही तकरीबन एमसीक्यूज ही जो है फिल इन दी ब्लैंक्स में आए हुए हैं, सिर्फ इसमें एक लास्ट वन में लास्ट सेकेंड लास्ट बता दूँ, अ रूट ऑफ एन इक्वेशन विच डू नॉट सेटिस्फाई द इक्वेशन
ऐसा इक्वेशन का रूट जो उसको सेटिस्फाई ना करता हो उसे हम कहते हैं एक्सट्रीनियस रूट। ये 9th क्लास में भी ये बात पढ़ी हुई है। बाकी सारी फिल इन द ब्लैंक्स बहुत इजी हैं, तो ये आप खुद कर लेंगे, समरी भी देख लेंगे। तो ये हमारा आज चैप्टर नंबर जो 1 था ये कंप्लीट हो गया। और मिसकेलिनियस एक्सरसाइज इतनी इंपॉर्टेंट है, ये 5 मार्क्स देगी बोर्ड एग्ज़ाम में। 2 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, 1 MCQ आता है। तो ख़ासतौर पर जिन बच्चों का मैथ वीक होता है वो मिसकेलिनियस एक्सरसाइज का हर MCQs, फिल इन द ब्लैंक्स, शॉर्ट क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से तैयार करें। यही एक्सरसाइजें उन्हें पास करवा देंगी, अच्छे नंबर दिलवा देंगी। तो ये हमारा चैप्टर 1 जो था आज मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो गया। इसका आप टेस्ट लेंगे, वो आपको फिर बाकायदा बताएंगे कैसे लेने हैं। तो इस तरह हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट हुआ। थैंक यू वेरी मच।